हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइस कटलेट की रेसिपी, और इसको आप आसानी से झटपट और घर पर मिलने वाली सामग्री से बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आप इसे सुबह शाम जब चाहें नाश्ते पे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं, पके हुए चावल है ये लंच टाइम के बचे हुए चावल है। यदि आप चाहें तो बिल्कुल फ्रेश चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम मिक्सर के जार में डाल देंगे, और अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ दही डाल दिया है। साथ ही मैं यहाँ छोटे साइज के ब्रेड ले रही हूँ, इसलिए मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनको भी तोड़कर हम डाल देंगे। आप यदि बड़े ब्रेड ले रहे हैं तो 4 ही ब्रेड में आपका काम हो जाएगा। आप इसको मिक्सर के जार में पीस लीजिए। इसको पीसते समय आप चम्मच से चलाते हुए पीसिएगा, बार बार इसे थोड़ा रोक कर खोल कर चम्मच से चलाइएगा तब पीसिएगा, नहीं तो ये मिक्सर में आसानी से पीस नहीं पाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, 1/2 चम्मच मैंने अदरक डाला है कद्दूकस किया हुआ, 2 हरी मिर्चें कटी हुई। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच बीन्स डाली है और 1 मीडियम साइज का प्याज डाला है बारीक कटा हुआ। अब हम इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे। इसमें हमने डाला है 1/2 चम्मच ओरिगेनो और नमक, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हाथों पर ये बहुत ज्यादा चिपकता है, इसलिए मैं इसे अभी चम्मच से मिला रही हूँ। देखिए, अब मैंने हाथों पर तेल लगा लिया है। अब हम इसमें इसके कटलेट बनाएंगे, और कटलेट आप अपने मनचाहे आकार के बना सकते हैं। आप चाहे तो गोल कटलेट बनाइए, या आप इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से चौकोर शेप दे रही हूँ, बर्फी के आकार का बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरीके से हमने सारे कटलेट बना लिए हैं। इसमें हम कुछ ज्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम सामग्री हमने इस्तेमाल की है। आप इसे आसानी से घर पर बना पाएंगे घर पर मिलने वाली चीजों से। मैंने तेल गर्म करके इनको फ्राई करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तेल हमारा बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल होने पर ये तेल को सोख लेते हैं जिससे कि इनका फ्लेवर खराब हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको फ्राई करें तो तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, तभी इन्हें डालिए। और ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, या फिर आप इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने दीजिए। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा कलर इन पे और आने देते हैं हम। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है, और हम इसको प्लेट पर निकाल लेंगे। आप चाहे तो इन्हें सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ। तो हमारे जो कटलेट है वो फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये राइस कटलेट लगते हैं। आप इन्हें चाहे तो टोमेटो सॉस के साथ सर्व कीजिए या हरी चटनी के साथ, बहुत ही बढ़िया ये आपको लगेंगे। आपको खाने में बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट लगेगा। आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। झटपट और बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट पर बनने वाली रेसिपी है। और यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए। अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।